आप सभी को नमस्कार सुश वाले यूट्यूब चैनल में। आज है 26 नवंबर और कुछ दिन पहले आपने देखा होगा मेरे शादी के ब्लॉग चलने में लगे हैं। अभी पहाड़ गया था मैं, वहाँ भी शादी थी, लेकिन अब जो शादी है ये काफी स्पेशल है मेरे लिए, क्योंकि जो मेरी बचपन की दोस्त है उसकी शादी हो रही है और जिससे हो रही है वो भी मेरे बचपन का दोस्त है। तो दोनों के दोनों बचपन के दोस्त हैं और दुल्हन जो है उसका नाम है प्रियांशी राणा और दूल्हे का नाम है हिमांशु रावत। तो प्रियांशी तो मेरे साथ स्कूल में भी थी, साथ में जब हम कॉलेज गए तो कॉलेज में भी मेरे साथ थी, और मैंने भी सिविल इंजीनियरिंग करी और उसने भी, तो हम कॉलेज में भी सेम क्लास में बैठते थे। तो मतलब बचपन से लेके कॉलेज तक का सफर साथ काटा है हमने, और हिमांशु के साथ मैं स्कूल में था। और बाकी कैसे वो दोनों मिले हैं प्रियांशी और हिमांशु वो धीरे धीरे व्लॉग्स में पता चलता रहेगा आपको। और एक चीज़ और, प्रियांशु और हिमांशु ने बहुत ही थोड़ी डिफरेंट करी है और शादियों में से। आज 26 तारीख को सबसे पहले हल्दी है, फिर 26 की शाम को होगी कॉकटेल, और फिर 27 की जो दिन है वो पूरा खाली रहेगा, फिर शाम को होगी शादी जयमाला, और फिर अगली सुबह फेरे। तो मतलब ये जो पूरा का पूरा प्रोग्राम बनाया ना उन्होंने कि एक दिन पहले हल्दी करने का, वो बहुत सही बनाया। पर इससे एक कन्फ्यूजन और हो जाएगी कि बहुत सारे लोगों की ना हल्दी छूट जाएगी, क्योंकि उन्हें लगेगा कि भाई 27 को ही हल्दी होगी सुबह, तो देखना पक्का छूटेगी हल्दी। और एक चीज़ और स्पेशल करी उन्होंने कि दोनों ने जितने भी जो कार्यक्रम होंगे ना सारे फंक्शन दोनों फैमिली साथ में करेंगी, मतलब अभी हल्दी भी साथ में दोनों की, कॉकटेल भी साथ में, और शादी तो फिर साथ ही होती है। और बोलने के लिए ये चीज़ आसान होती है कि भाई दोनों साथ में कर लेते हैं, लेकिन जब मिलते हैं ना दोनों फैमिलीज तो ऐसे में दिक्कतें ही बहुत आती हैं। फिलहाल अभी फटाफट रेडी होते हैं और चलते हैं, अभी हल्दी बस शुरू ही होने वाली होगी, आवाज़ हल्की हल्की आने लगी है मेरे को। और हाँ, जो वेन्यू है जहाँ पे शादी होने वाली है उसका नाम है रॉयल ग्रीन, और काफ़ी अच्छा वेन्यू है, तो फटाफट चलते हैं वहाँ पे। देखो यहाँ पे ब्योले वाली साइड ही हो गई, और ब्योले वाली साइड ही हो गई, यहाँ देखो पंडित जी ब्योले गए और वहाँ पंडित जी ब्योले गए, अपना अपना हिसाब चल रहा है। क्या क्या सामान लेना पंडित जी? तीनों चाहिए, ये एक साथ नहीं जाएंगे कुछ, है ना, एक एक इंसान ले जा पाएगा ऐसे? आप ले जाओ, या तो नहीं, नहीं तो कोई नहीं, नहीं नहीं तो कोई नहीं, तो ये पकड़ ले, फिर ये प्लेट पकड़ ले, नहीं नहीं ये नहीं, तो इमोशनल और इमोशनल। जब से इसे देखा है ना सुबह से, आंखों में इसके पानी है सुबह से, और इतना इमोशनल होने की वजह से गाल उड़ गए इसके। कौन हूँ मैं? हाँ सुबह से सवाल सही बोला, वही हूँ, पहचान गया मेरे को। मैं आपकी वीडियो देखता हूँ। हैं, थैंक यू। मेरे पापा बोल रहे हैं। कहाँ है पापा? अच्छा, मिला मिलाना भी मिलाना।
मैं जितने भी दोस्तों की शादी में जाता हूँ ना, तो जो दूल्हे के दोस्त होते हैं वो सारे इधर उधर बिजी रहते हैं, सारे के सारे, मतलब हल्दी में कोई आ नहीं पाता। और मेरे को बड़ा अच्छा लगा भाई कि हिमांशु की जितने भी दोस्त है ना सब आ रखे थे। बिल्कुल सही बात है यार, हिमांशु की शादी में नहीं आएंगे तो किसी नहीं, शादी में तो वो तो ऐसा भी आते हैं अपने दोस्तों की शादी में, लेकिन हल्दी में ही पहुंचे हुए यार। कल रात को इतनी बढ़िया पार्टी हुई, उसके बाद यहाँ सब पहुंचे हुए है। अश्विन भाई कोई दिक्कत? और मौसम ने भी पूरा साथ दिया है, हल्की हल्की धूप है तो ज्यादा गर्मी नहीं लग रही। हल्दी का समापन हो रहा है, वहाँ देखो यहाँ भी हल्ला हो रहा है, वहाँ भी दोनों साथ में उड़ रहे हैं। इसकी तो जो कुर्ता फाड़ा ही इन्होंने भाई, खतरनाक खतरनाक आया, बॉडी फटके आ रही है बाहर, फटके लो 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 आंटी जी लो, धावा बोलो धावा बोलो, अरे बोलो बोलो, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। आर भी तो लगाओ इधर उधर, हाँ हाँ बढ़िया बढ़िया बढ़िया, ओए लग गया पीछे लग गया। अच्छा वो मिया बीबी, अरे भाई अच्छा तभी लगा रहे थे आंटी जी से, क्योंकि कोई और लगाना चाहिए ना। पकड़ो पकड़ो आंटी जी पकड़ो, जल्दी जल्दी जल्दी। ब्योला ब्योली चले गए हैं अभी स्नान करने के लिए। अब स्नान करने के बाद पूजा होगी, फिर मुझे ये चीज देखने की आरती के बाद भिक्षा होती है, भिक्षा दान, तो वो आज ही होगा कि नहीं होगा, क्योंकि अब आज शाम को तो न्यू ईयर है, फिर शादी कल है, तो अब क्या रीति रिवाज होंगे वो देखने में मजा आएगा। मजा आ रहा है? आप किसकी साइड से हो, लड़के है कि लड़की है? लड़के की साइड से। हेलो आप किसी साइड से हो? लड़की, ये तो लड़का लड़का बोल रहा, कंफ्यूज हो गया बेचारा। आप किस साइड से हो? अच्छा आप सब एक साथ ही हो, चलो बढ़िया बढ़िया। यहाँ पे डांस भी देखो, लड़की वाले उधर कर रहे हैं, लड़के वाले इधर कर रहे हैं, दोनों का अलग अलग डांस चल रहा है। आज का कार्यक्रम यहीं पे समाप्त होता है। क्या बात है, दूल्हा दुल्हन को और मम्मी पापा को सभी परिवार वालों को बहुत बहुत बधाइयाँ। और आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आया हो तो पीछे बैनर लगा हुआ है, वहाँ से हमारा नंबर ले लीजिए और हमें बुलाने का कष्ट कीजिए, धन्यवाद। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, लगातार आपने इतना गाया, मानना पड़ेगा। तो ब्योला आ चुका है पीछे,
पूजा के लिए। फिलहाल ब्योली का वेट है, यहाँ पे जहाँ ब्योली की हल्दी हुई थी वहीं पे ब्योला खड़ा हो चुका है और पूजा हो रही है और ब्योली की पूजा होगी यहाँ पे। तो ये सारी की सारी ब्योली वाली गैंग है, देखो इन सबको मैंने बुलाया है, मैंने लाइक फोटो खींचते हैं आप सबकी, फोटो तो होगा ये ठीक है। अब 1 2 3 में एक बार जोर से चिल्लाना है, 1 2 3 क्या बात है, सही कोऑर्डिनेशन बैठ गया सबके साथ पहली बारी में। यहाँ पे देखो मेरे छोटे व्यूअर मिले मेरे को, हेलो बोलो, क्या नाम है आपका? अवनिका। अवनिका सवाल, क्या बात है, अब मेरा नाम पता है आपको? नहीं। मेरा नाम नहीं पता? नहीं, आप तो वीडियो बनाते हो। मेरा नाम तो याद होगा? नहीं याद नहीं है, बस वीडियो देखते हैं, नाम याद नहीं है, कोई बात नहीं। मेरा नाम है सुयश असवाल, मैं भी असवाल हूँ, आप भी असवाल हो, अपना नाम बताओ। अच्छा ये ट्विंस है भाई, तभी कपड़े भी सेम पहने हुए, बढ़िया। आप भी ब्लॉग बनाते हो है? वो सिर्फ अपने फोन में ही ब्लॉग करती है, दूसरे के फोन में नहीं करेगी वो। भाई ब्योला वहाँ वापस जाने लग गया और ब्योली अभी तक नहीं आई है, बताओ। लड़की को थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है ना, पहले वो ना ही हो गए ढंग से, फिर उसके बाद साड़ी पहनना है, करना वो करना है, तो ब्योली को हमारे टाइम लग रहा है अभी। A few minutes later. कितना टाइम क्यों लगा तेरे को? मैंने बिल्कुल टाइम नहीं लिया, मैंने मुझे बस तेरे पति की पूजा हो गई, वो चला भी गया भाई, वो हो गई भाई उसकी पूजा, ऐसे कैसे क्या उन्होंने निपटा दिया अपना। मैं वही कह रहा था ना, लड़की को थोड़ा समय लगता है, मुझे नहीं लगा इसको पूछना है कि जल्दी आई हूँ, हमने बहुत समय लिया। तो फिर उन्होंने जल्दी किया जाता, उसका क्या है, वो उसने तो कुछ भी नहीं किया। हाँ। तो मैंने पर एक बात है यार, रोई नहीं तू ज्यादा यार। हिमांशु ने बोला था कि भाई उसे रोने मत देना बिल्कुल भी। चल बढ़िया, कैसा लग रहा है फिर अभी? बस अभी तो हो रहा है, चलो यहाँ चलो उधर चलो। हाँ ये भी है, पर इतने सालों से तो देख दूसरों के बहाने दिख रहे थे, आज तेरे खुद के हो गए। मेरे को तो तेरे को देख के ऐसा हो रहा था ना, अजीब सा मुझे लग रहा था यार, अगर मैं बैठूंगा तो मैं कैसा फील करूंगा, बड़ा डिफरेंट फीलिंग है दीक्षा। हाँ। तू तो बैठ चुकी है। चलो भैया फटाफट पूजा कर लेते हैं। एक चीज मुझे नहीं पता चली यहाँ पे, जब पूजा चल रही है कि जितने भी लेडीज आरती करती हैं वो सब मैरिड होनी चाहिए, अनमैरिड नहीं कर सकती। जैसे ये लड़कियाँ खड़ी हैं यहाँ पे, ये प्योर अनमैरिड है, प्रियांश की दोस्त और मेरे भी स्कूल की दोस्त, तो ये दोनों नहीं कर सकते। बाकी ये दो दोस्त आ रहे हैं, वो चली गई वहाँ आरती करने के लिए। तो ये मेरे को आज इसने बताया, मुझे इतनी शादी अटेंड कर ली, मुझे ये आइडिया नहीं था इसका। आपको इतना नॉलेज कैसे है? मैंने देखी है ना, बहुत सारी शादियां, काफी डीपली वो कराया तुमने। छोड़ दे हाथ छोड़ दे। प्रियांशी का अपना भाई जो सगा भाई है वो यहाँ देखो डांस कर रहा है, इसको उठाना चाहिए था बल्कि प्रियांशी को। भाई तुम्हारा काम था उठाने वाला, बहुत पीछे हो रहा है भाई यार। Hey!
सही है बेहतरीन। बस एक एक मैंने दोनों ली ना, रुक जा येड़े एक और खींच ले येड़े येड़े ज्यादा पुणे रह कर रही है येड़े कर रही है। चलो वो कैंडिड होते हैं ऐसे ऐसे कैंडिड कर लो ना ऐसे के बता लो प्रियांशी कुछ बोल रही है। प्रियांशी बता भाई। अरे मैं कह रही हूँ कि सुबह क्या हुआ, मैं वैसे लेट हुई, रखी मम्मी को ड्रॉप करने आया और उसके बाद जब वो मुझे दोबारा ट्रेन में आना था उस बीच में सब कुछ हो गया भाई। अगर मैं उस टाइम पे आ जाती ना मम्मी के साथ जाती हमारी, और मतलब तेरा कहने का मतलब है कि तेरी फोटो नहीं हो पाई तुम दोनों की। ये तो क्या हुआ समझ नहीं आया। चाची फिर जाते अरे ये देर में है ना आगे फोटो। अभी पूरा हल्दिया कार्यक्रम करके घर वापस आ चुके हैं, कुछ काम भी नहीं किया पर थकान भी लग गई पता नहीं क्यों। और एक चीज और, मुझको जितना आसान लग रहा था ना कि भाई दोनों ब्योला ब्योली एक ही जगह हल्दी कर रहे हैं तो बहुत अच्छे से मतलब मैं शूट कर पाऊंगा वीडियो, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर मैं अकेला इंसान हूं ना तो भाई या तो मैं उसी साइड बना पाऊंगा वीडियो ब्योली की साइड, या फिर मैं ब्योली की साइड ही बना पाऊंगा। अब ज्यादा वीडियो मैं दुल्हन वाली साइड बना रहा था क्योंकि वहाँ के ज्यादा लोगों को मैं जानता भी हूँ, तो इसलिए जो धूले की साइड है जो हिमांशु की साइड है वहाँ पे बहुत लोग छूट गए हैं। तो इसलिए जिन लोगों को भी लग रहा है ना कि यार हम तो ब्लॉग में आए ही नहीं, तो इसलिए उन सबको बहुत बहुत सॉरी बोलना चाहूंगा मैं। अभी तो आज रात कॉकटेल है फिर कल शादी है, तो कहीं ना कहीं आपके साथ ब्लॉग जरूर बनाएंगे। तो फिलहाल आज के हल्दी वाले ब्लॉग को करेंगे यहीं पे समाप्त। अगर आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज लाइक जरूर कर देना वीडियो को, और अगर आप नए हैं चैनल में तो नीचे सब्सक्राइब का बटन दे उसे दबा देना और हमारे यूट्यूब परिवार के सदस्य बन जाना। और अगर ब्लॉग बनते अच्छा लगा बहुत ज्यादा अच्छा लगा तो मैं व्हाट्सएप फैमिली ग्रुप में फेसबुक में शेयर कर देना। तो इसी के साथ मिलेंगे आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार, जय भद्र विशाल, जय सिद्ध बाबा।